गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल लास्ट क्लास का डिस्कस कर रहे अपन सोशल प्रॉब्लम जिसके अंदर थी चाइल्ड एब्यूज की सोशल प्रॉब्लम की वो डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं एक और अदर दूसरी टाइप की सोशल प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं अपन ड्रग एडिक्ट। क्या है सोशल प्रॉब्लम? ड्रग एडिक्ट क्या बोलते हैं? ड्रग एडिक्शन बोल सकते हैं। ड्रग एडिक्शन यानी कि मादक पदार्थ का सेवन करने वाले, ठीक है, मादक पदार्थ की स्त्री। अब ड्रग का मतलब होता है कोई भी ड्रग। ड्रग क्या होती है? ये कोई मेडिसिन या कोई औषधि, ठीक है। ड्रग का क्या मतलब? कोई मेडिसिन बोल सकते हैं, कोई औषधि जिसका प्रयोग किया, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी बीमारी के इलाज के लिए, यानी डिजीज को वो दूर करने के लिए, ठीक है। ड्रग क्या है? ड्रग एक प्रकार से बहुत सारी औषधि है, मेडिसिन है, जिसका प्रयोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बीमारी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ये ड्रग किसका असर करती है? ये ड्रग करती है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट करके डिजीज को दूर करती है और व्यक्ति के अंदर चेंजेस लाती है, वो होता है ड्रग, ठीक है। ये होता है ड्रग एडिक्ट की बात करें तो क्या होता है उसकी आदत, क्या बोलते उसको आदत। तो ड्रग का मतलब ड्रग एक ऐसी मेडिसिन है, औषधि है, जिसका प्रयोग हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में पेशेंट को डिजीज से बचाने के लिए या उसके बॉडी में चेंजेस लाने के लिए यूज किया जाता है, वो तो है ड्रग। और एडिक्ट का मतलब होता है कि इस चीज़ की आदत लगना, यानी कि जो उसके डिपेंड उसकी बॉडी फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब पूरे कुत्तों की बात करते हैं, मतलब होता है किसी मेडिसिन पे किसी औषधि पे क्या होना, डिपेंड हो जाना। जो उसकी बॉडी एक्टिविटी है, जो उसकी बॉडी मूवमेंट, जो उसकी पूरी डेली रूटीन वो किसी ड्रग पे क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ड्रग एडिक्ट। ये हो गया ड्रग एडिक्ट के बारे में बात। तो ड्रग का मतलब औषधि, एडिक्ट का मतलब होता है आदत। फिर जो मादक बता रहे हैं जितने भी तो मादक पदार्थ है, सेडेटिव वगैरह है, अफीम वगैरह है, ठीक है, ड्रग्स ये देने वाली हेरोइन है, ये सारे क्या मादक पदार्थ है, उनकी इनकी वजह से बड़ी डिपेंड हो जाती है उस पर, तो बोलते हैं ड्रग एडिक्ट। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अपने सारे काम सारे फंक्शन जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होते हैं वो किसी ड्रग पे डिपेंड होते हैं, किसी ड्रग को लिए बना वो कार्य नहीं कर पा रहा है, किसी नशीली पदार्थ का सेवन किए बना वो अपना काम नहीं कर पा रहा आगे का, तो उसको बोलते हैं ये क्या पूरा डिपेंडेंट है, पूरा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, इसको बिना ड्रग के ये काम नहीं कर पाएगा, वैसे व्यक्ति बोलते हैं ड्रग एडिक्ट। मैंने जो ड्रग होती है औषधि का प्रयोग ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, बट कुछ इसका क्या साइड दुरुपयोग भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं। मैंने ड्रग का काम होता है ट्रीटमेंट करना, हॉस्पिटल के अंदर बीमारी को बचाना, बट कुछ लोग क्या दुरुपयोग भी करते हैं, एक नशे में यूज करते हैं और धीरे धीरे क्या वो बॉडी उसकी आदि बन जाती है। तो ये होता है ड्रग एडिक्ट के बारे में, ठीक है। ये भी एक उसके अल्कोहल की तरह है, जैसे अल्कोहल लोग एडिक्ट कैसे होते हैं उसी तरह ड्रग के भी एडिक्ट हो जाते हैं। ये होता है वर्ड अपना ड्रग डिपेंडेंट। बात करो या डिपेंडेंट, दोनों की मीनिंग एक ही है, डिपेंडेंट की मतलब होता है पूरी बॉडी किसी ड्रग पे क्या डिपेंड रहती है, जब तक वो ड्रग नहीं मिलेगी, जब तक वो औषधि नहीं मिलेगी तब तक उसकी बॉडी काम नहीं करेगी, बंदे का क्या होगा वर्क करने का जो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, उससे बोलते हैं डिपेंडेंट, यानी कि वो व्यक्ति की बॉडी किसी ड्रग पे पर्टिकुलर क्या होगी निर्भर होगी, उससे बोलते हैं अपन ड्रग डिपेंडेंट। अब कौन कौन से टाइप के ड्रग होती है जिससे डिपेंड हो सकते हैं। अब बात है टाइप्स ऑफ ड्रग, टाइप्स ऑफ ड्रग की बात करें, कौन कौन टाइप के ड्रग होते हैं, वो सारे पहले बात है सेडेटिव, ठीक है। सेडेटिव का काम करता है शांत करना, ये ड्रग क्या करते हैं शांत करते हैं व्यक्ति को, ठीक है, जो व्यक्ति का बॉडी फंक्शन है शांत करने का काम होती है, क्या स्लीप में जाके शांत करने का काम करते हैं। ऐसी ड्रग ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है शांत करती है बॉडी को, काम करती है बॉडी को, स्लो करती है, उसको बोलते हैं
सेडेटिव ड्रग, जैसे बोलो नींद की गोलियां वगैरह है एंड बेहोश करने के इंजेक्शन लगाते हैं हॉस्पिटल में, वो सेडेटिव ड्रग है, जैसे कि अपना डाइजापाम, लोरजेपाम, ये क्या है सेडेटिव ड्रग के अंदर आते हैं। इसका काम इंड का मैंने काम क्या होता है, पेशेंट को क्या करना है, रिलैक्स करना है, शांत करना है, सुलाना है, ठीक है, ये होते हैं अपना सही दर्शन। इनका उपयोग अगर व्यक्ति नींद नहीं आती है बार बार उसको लेता रहता है, नींद लाने के लिए, सोने के लिए, नींद आए सोने के लिए, एक दो बार लेगा, तीन बार चार बार कंटिन्यू ले रहा है, तो बॉडी के डिपेंड हो जाएगी, जब तक इस ड्रग का उपयोग नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये होते हैं सेडेटिव ड्रग, क्या एक प्रकार से ड्रग के अंदर आते हैं। एनर्जी आ रही है, ताकत आ रही है, एक तो क्या हो रहा है वो अवेक हो रहा है, स्टूमेंट हो रहा है, वो बोलते हैं अपना स्टूमेंट ड्रग, जैसे कि हेरोइन वगैरह लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन कैफीन, कोकीन, ये जैसे कि अपन चाय कॉफी यूज करते हैं ना, चाय कॉफी क्या होता है कैफीन होते हैं, चाय कॉफी क्या करते हैं थोड़ा स्टूमुलेट करते हैं, जैसे नींद आती है या थोड़ा थक जाते हैं तो चाय कॉफी यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं हमें स्टूमुलेट करती है। ऐसे सेम कैफीन और कोकीन ये भी क्या है, एक तरह से स्टूमुलेट ड्रग है जो बॉडी को स्टूमुलेट में काम करती है। ठीक है, दूसरा डिप्रेशन, डिप्रेशन ड्रग जो क्या है अवसाद को उत्पन्न करती है, अवसाद को उत्पन्न करता है डिप्रेशन ड्रग बोलते हैं, जो क्या करते हैं पेशेंट को अवसाद में लेके जाती है, जैसे कि वो आगे ट्रैंक्विलाइजर, ये भी कहते हैं सीधे रिलैक्स का काम करते हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग होती है वो भी रिलैक्स का काम करते हैं, व्यक्ति को क्या करते हैं डिप्रेस करने का काम करते हैं, ये होते हैं अपने डिप्रेसिव ड्रग ट्रैंक्विलाइजर। ये हो गए टाइप ऑफ ड्रग के बारे में, कौन कौन से टाइप के ड्रग होते हैं, सेडेटिव हो सकते हैं, स्टिमुलेट हो सकते हैं, ठीक है, दूसरी बात से तो अपने ये स्टिमुलेटिंग ड्रग, सेडेटिव ड्रग और डिप्रेशन ड्रग, ये सब ड्रग क्या एक से इफेक्ट कर सकती हैं। अब इनके कॉज क्या है, लोग इस ड्रग का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, कौन कौन से कॉज है, ऐसी क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से लोग क्या इस प्रकार के ड्रग को क्या आदि हो जाते हैं, उन पर डिपेंड हो जाते हैं, जैसे बहुत से कारक हैं, पहले कारक की बात करें अपन तो साइकोलॉजिकल कॉज मनोवैज्ञानिक, मानसिक कारण, कौन कौन ऐसे कॉज है जिसकी वजह क्या होता है व्यक्ति ड्रग का रहता है, और मानसिक कॉज की बात करें कि मेंटली में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह वो ड्रग ले सकता है। अब कर दो ऐसी कौन सी मानसिक कॉज थी, पहला डिप्रेशन, डिप्रेशन, अब डिप्रेशन मतलब बहुत ही चिंता, टेंशन, एंजाइटी हो रही है उसे डिप्रेशन बोलते हैं। अब मान लो कि डिप्रेशन में तो क्या होगा, उससे नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा, सेडेटिव ड्रग का यूज करेगा, बार बार रिलैक्स होने के लिए, सोने के लिए, या जो टेंशन आ रही है उसको दूर करने के लिए, जो तनाव आ रहा है उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं वो सेडेटिव ड्रग ले सकता है, और सेडेटिव ड्रग लेगा तो आराम से सो जाएगा, माइंड के साथ हो जाएगा, तो ऐसे विचार नहीं आएंगे तो व्यक्ति को नींद आती है। तो सीवियर डिप्रेशन भी क्या करता है, एक कॉज है डिप्रेशन के, अगर व्यक्ति ड्रग का यूज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट की बात करें अपन को, ठीक है, वापस इसी बात में, तो स्ट्रेस, तनाव, तनाव वाली घटना, तो स्ट्रेस वाली घटना घटित हो जाती है, जिससे सीवियर स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसी कंडीशन में ड्रग का यूज कर सकता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं और कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई ऐसी बोर हो रहा है क्या कर बैठे बैठे,
ड्रग यूज कर ली, तो बोरियत को दूर करने के लिए क्या लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है, बोर हो रहे हैं बैठे बैठे क्या करें, तो बोरियत को दूर करने के लिए ड्रग का यूज कर सकते हैं। और आपने सर बनाने के लिए ठीक है, मोहित दूर करने के लिए खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अगर मान लो कार्य करने में डर लग रहा है, जिस तरह हारे हैं उसको अजीब सा फील हो रहा है, तो क्या करेगा, तो ड्रग का यूज कर, जैसे कि स्टिमुलेट ड्रग का यूज कर सकते हैं, जिससे जोश आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो कार्य अच्छे से कर पाएगा, इस वजह से दूसरा क्या आनंद के लिए जस्ट इंजॉय के लिए ले सकते हैं। आनंद की अनुभूति प्राप्त करनी है तो भी क्या ड्रग यूज कर सकता है, ये हो गए उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर जिनकी वजह से व्यक्ति क्या ड्रग का आदि हो सकता है या इन ड्रग का यूज करना स्टार्ट कर लेता है, ये हो गया मानसिक वैज्ञानिक कारण।